मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सत्ता में आते ही सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए क्रांतिकारी सुधार किए। ऐसी ही एक योजना है पोस्ट से राशन वितरण। आज प्रदेश भर की 25,619 राशन दुकानों पर पोस्ट मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे 4,50,00,000 लोगों को मिला अपने हक का पूरा राशन। पेश है रिपोर्ट। प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक क्रांतिकारी नवाचार किया है, ऐसा नवाचार जो बन गया है पूरे देश के लिए नजीर। प्रदेश में हर परिवार को उसके हक का राशन मिले और पूरा मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सीएम राजे की पहल पर बायोमेट्रिक पहचान से राशन वितरण शुरू किया है। आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्ति मशीन पर अंगूठा या उंगली लगाकर राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर की 25,619 राशन दुकानों पर पोस्ट मशीनें लगाई गयी और 4,50,00,000 लोगों को मिला अपने हक का पूरा राशन। इतना ही नहीं, हर राशन की दुकान पर अब कागज पर नहीं बल्कि कंप्यूटर पर हर परिवार के राशन का हिसाब किताब रखा जा रहा है। हर लेन देन के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक पर्ची भी मिल रही है, यानी भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह खत्म। कि 10-20 राशन कार्ड प्राप्त लेते लोग और हर कोई का राशन से सामान ले जाते थे। अब राशन की दुकान पे जब भी ये मशीन आई है, मशीन से पहले हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपका राशन आ गया है, और अब मशीन से हम राशन प्राप्त करते हैं अंगूठा निशान लगा के। इतना ही नहीं, राशन लेने पर भी लाभार्थी को मोबाइल पर मैसेज भी मिल जाता है कि आपने कितना राशन ले लिया है और इतना राशन शेष है। इससे न केवल प्रदेश की जनता की परेशानी कम हुई है, साथ ही उनके समय की भी बचत हो रही है। राशन वितरण प्रणाली में तकनीक के प्रयोग से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, जिससे न केवल आम आदमी का व्यवस्था में भरोसा कायम हुआ है बल्कि प्रदेश की जनता को असल मायने में सुराज भी मिला है। सीएम राजे का ये कदम पूरे देश में सराहा जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि राशन लेने के लिए दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं। राशन आया या नहीं आया ये पता करने के लिए पात्र व्यक्तियों को राशन के दुकानों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये सुनिश्चित किया कि पात्र व्यक्ति को राशन लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए अब पात्र व्यक्ति के मोबाइल पर मैसेज भेजा जा रहा है। इस व्यवस्था का फायदा ये भी है कि राशन के दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विजन और सोच का ही नतीजा है कि प्रदेश की गरीब जनता के हक के निवाले पर कोई डाका डालने की सोच तक नहीं सकता, और आज प्रदेश के हर जरूरतमंद पात्र व्यक्ति तक उसके हिस्से का पूरा राशन मिल रहा है। यही कारण है कि इस योजना के लाभार्थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार जताते नहीं थकते। जब हम राशन कार्ड लेके गांव लेने के लिए जाते थे राशन की वो मूल्य दुकान पे, तो राशन वाला देखता न, फिर देते ही नहीं। जैसे आज थोड़ा सा गांव दिया, बस कहता हो जाता हो गया, लेके चले जा। दूसरे तीसरे महीना हो जाता, फिर जाते तो वो पूरा एंट्री कर लेता था। अब तो गांव लेने जाते तो जैसे हमने आधार कार्ड दिया और राशन कार्ड दिया तो हमने अंगूठा लगाया तो टक दिन मशीन बोला, फिर बस बराबर तोल के दे दिया हमको गांव, हम लेके चले आते हैं। साल 2013 में सुराज संकल्प के साथ सत्ता में आई वसुंधरा राजे सरकार ने प्रदेश को सही मायने में सुराज दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसी भी प्रदेश के लिए सबसे अहम योजना होती है, ताकि समाज के गरीब और वंचित तबके तक राशन पहुंचाया जा सके। समय के साथ ये योजना भ्रष्टाचार का पर्याय बनती गई, लेकिन वसुंधरा राजे ने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभालते ही सबसे पहले राशन वितरण व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए। इन्हीं सुधारों का नतीजा है कि आज प्रदेश के हर पात्र नागरिक को अपने हक का पूरा राशन मिल रहा है, वो भी समय पर। इसीलिए कहते हैं
कि नियत साफ और इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इसी मजबूत इरादे से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तो बढ़ी ही है, साथ ही प्रशासन को लेकर जनता का नजरिया भी बदला है।